गाड़ी गाड़ी सामान है गाड़ी गाड़ी दादा ये साइड हो जाओ दादा वो चाचा साइड हो गया ये व्हाइट से टी-शर्ट यशराज प्रोडक्शन के मालिक यानि यशराज चोपड़ा की वाइफ पमाली के इस दुनिया से एकदम से चले जाने पर जहाँ पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक में है, वहीं पर बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ पर उनकी रेजिडेंस पर आते हुए देखा गया, जिसमें अगर बात की जाए बच्चन परिवार की तो पहली दफा बहुत अरसे बाद अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को यहाँ पर अपीयरेंस देते हुए देखा गया। यशराज चोपड़ा की वाइफ पामीला चोपड़ा इस टाइम पर हम सब में रही रही। 74 साल पामीला चोपड़ा यशराज फिल्म प्रोडक्शन में एक बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही थी। पिछले 15 दिनों से उनकी तबीयत खासी खराब थी, जिसकी वजह से लीलावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और उनको ICU में रखा गया। खैर वेंटिलेटर पर जाने के बाद इनकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता नासाज होने लगी और 20 अप्रैल को इस दुनिया से जा बसी। अगर बात की जाए यहीं पर इनकी म्यूजिक की लाइफ में, अगर बात की जाए इनकी करियर की लाइफ में या फिर यशराज की लाइफ में, इनके हस्बैंड की लाइफ में इनके किरदार के बारे में, तो यशराज का कहना था कि मेरी स्पोर्ट में सिर्फ एक ही किरदार है, वो है सबसे शुरू से लेकर अब तक मेरी वाइफ पामीला चोपड़ा। उनके चले जाने के बाद यशराज का क्या हाल होगा ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर अगर ये कहा जाए कि यशराज प्रोडक्शन में म्यूजिक की दुनिया में सबसे अहम कान और पैशनेट काम जो कर रही थी वो पामीला चोपड़ा ही कर रही थी। उनकी ज्यादातर मूवीज में अगर ये कहा जाए कि एक्ट्रेसेस की डिजाइनिंग में, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, उनकी म्यूजिक सेटिंग में सबसे ज्यादा काम इस टाइम पर पामीला चोपड़ा कर रही थी। लेकिन अगर बात की जाए यहीं पर यशराज की, तो यशराज का कहना था कि अगर पिलर ऑफ लाइफ की बात की जाए तो पामीला ने मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वेल दोस्तों, इस टाइम पर वो हम में तो नहीं रही, लेकिन बहुत सारे अदाकार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इनकी लास्ट राइड पर आते हुए देखा गया। इनकी लास्ट राइड किस टाइम होगी ये तो इस टाइम पर कुछ देर बाद ही पता लगेगा। लेकिन आपकी क्या इनके लिए आखिरी प्रार्थना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।